छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में लगातार हो रही बरसात के कारण हो रही मौसमी बीमारियों के बाद अब गंभीर बीमारियों ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। जिले में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद अब डेंगू के मरीज की भी पुष्टि हो गई है। रामानुजन के रहने वाले युवा व्यवसायी संजय केसरी का ब्लड सैंपल डेंगू बीमारी के लिए पॉजिटिव निकला है। उसके बाद से शहर में लोग काफी दहशत में आ गए। संजय केसरी को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। वहीं डेंगू का मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों अलर्ट हो गए। शहर में गंदगी को दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं। हर घर में स्वच्छता रखने की अपील की जा रही है। घरों में रखे गए कूलर के पानी को भी साफ करने की अपील की जा रही है ताकि डेंगू का लार्वा न पनपे। एक मरीज के डेंगू से पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल पहुंच रहे छोटी बीमारी के भी मरीज डॉक्टर से इसके बारे में पूरा सलाह ले रहे हैं और जांच को प्राथमिकता पर रख रहे हैं। शहर में इसके और मरीज न सामने आए और लोगों को इससे परेशानी न हो, इसके लिए नगर पंचायत की तरफ से विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ से आए? कहाँ से आए? डेंगू का नाम सुना है आपने? हाँ। कैसा है ये? बहुत खतरनाक है। क्या हुआ है आपको? टाइफाइड है। क्या हुआ है? टाइफाइड। बोलिए। आने की जांच करवाऊंगा फिर डेंगू ना। बुखार के नाम से हमको डर लगता है। डेंगू बुखार बहुत डेंजर है। सुना है कि एक डेंगू पेशेंट अपने रामानुजन से मिला है, बट हमारे यहाँ हमारे स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक तो कोई पेशेंट अपने डायग्नोस नहीं किया गया है। और हमने अभी अपने एबिलिटी भी चेक कराया है, तो उसके टेस्ट के लिए अपने पास किट अवेलेबल है। अगर कोई भी पेशेंट अपने मतलब हमारे यहाँ आते हैं और होते हैं तो उसके टेस्ट के लिए अपने पास सब कुछ के रोकथाम के लिए, और जहाँ पर फैले हुए हैं पूरे वार्डों में, तो हमें उसकी रोकथाम के लिए भी स्वास्थ्य कर्मियों को अपने स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से घर घर जाकर साफ सफाई और बहुत मतलब उनको सुझाव देने के लिए, और कहीं अगर गड्ढे में पानी भरा होगा या फिर कूलर में पानी भरा हो तो सबको फेंकवाया गया है, और प्लस उसमें मेडिसिन डलवाया गया है टेमिफोस, जिससे कि वेक्टर जो पैदा होते हैं वो पैदा ना हो सके और डिवाइड ना हो सके। इस कारण से क्या होता है कि डेंगू मलेरिया फैलने के चांसेस होते हैं। विशेष रूप से तो यही है कि अभी अपने पूरे वार्डों में फिर से मतलब नगर पंचायत की सहायता से अपन प्लान करें कर रहे हैं कि अपन उसके लिए रोकथाम के लिए पूरा जहाँ जहाँ भी पानी भरे होंगे वो सब पानियों में गड्ढे को भरा जाए, और घर में अगर कोई पानी भर के रखे हैं उसको सुझाव दिया जाए घर घर जाकर, और जो दवाइयाँ हैं वो हम उनको मुहैया कराएँगे कि सब चीज़ ठीक हो जाए।